नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र और सियासी हेल्पलाइन में। देखिए दोस्तों, आप जैसे ही आरटीई में एडमिशन लेने के लिए आय प्रमाण पत्र बनाते हो तो पहले एक पेज का आय प्रमाण पत्र था, लेकिन अभी नियम संशोधित होकर के 4 पेज का आय प्रमाण पत्र इसमें लगा दिया गया है। अब इस आरटीई फॉर्म में जो 4 पेज का आय प्रमाण पत्र लगेगा वो कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको किस प्रकार से भरना है, भरते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वही बात आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले आरटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आ जाते हैं। जैसे ही आप आरटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है दिशा निर्देश का, तो आपको इस पे ओके करना है। इस पे ओके करते यहाँ पे देखिए, इस बार स्पेशल से अपलोड कर दिया गया है 24-25 आय प्रमाण पत्र प्रारूप, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है। चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं आपको डाउनलोड कर करके दिखाता हूँ इसको। तो मैंने इसको डाउनलोड किया और डाउनलोड करके मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको किस प्रकार से भरना है इसको विशेष रूप से। देखिए इस प्रकार से आपके सामने आय प्रमाण पत्र आ गया है, परिशिष्ट आय, आय का घोषणा पत्र। तो इसके अंदर सबसे पहले प्रार्थी, यानी कि प्रार्थी के अंदर उनका नाम आएगा जो बच्चे का पिता या अभिभावक है, यानी कि किसी बच्चे का फॉर्म भरना है तो उसके पिता या अभिभावक के नाम से ये फॉर्म भरा जाएगा। तो उसके पिता का नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है, उनकी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए फोटो वो पर भी उत्तरदायी, यहाँ पे देखिए उत्तरदायी व्यक्ति के से फोटो स्थापित करवानी है आपको, यानी कि जो सरपंच या फिर वार्ड मेंबर या फिर सरकारी कर्मचारी जिससे भी आप साइन करवा रहे हो उसकी मोहर और साइन यहाँ पे करवाना है। उसके बाद यहाँ पे वो गांव का नाम, तहसील का नाम, जिला का नाम, दिनांक, जन्म स्थान और लिंग क्या है, स्त्री पुरुष, विवाहित है तो अविवाहित, धर्म, जाति, ये सभी यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो हाँ करना है, आयकर दाता में नहीं करना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, पैन कार्ड नंबर खाली छोड़ना है, टिन नंबर भी आपको खाली छोड़ना है, अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तो भी आपको पैन कार्ड नंबर वाला कॉलम है जो खाली छोड़ना है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर उनके परिवार के सदस्यों की डिटेल देनी है। यहाँ पे एक नंबर पे तो मुखिया का नाम ही आ जाएगा, जैसे क्रमांक नंबर एक सदस्य मुखिया करते हैं, जैसे मजदूरी दिखाई है, खेती दिखाई है, उसके बाद उनकी इनकम कितनी है वो यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद 2 नंबर पे बच्चे की माता का नाम आ जाएगा, उसके यहाँ पे देखिए 2 नंबर बच्चे की माता का नाम, उसके उसकी उम्र, मुखिया से संबंध आ जाएगा पत्नी, और आय के प्रकृति में आप भर सकते हो गृहिणी और आय नील भर सकते हो। इसी प्रकार से नीचे कोई और सदस्य है तो उसका नाम डाल दीजिए, अन्यथा जिस बच्चे के नाम से आप बनवा रहे हो, जिस बच्चे के लिए बनवा रहे हो उस बच्चे का नाम डाल दीजिए। और यहाँ पे जैसे नाम आ गया, बच्चे का उम्र आ गई, मुखिया से संबंध पुत्र या पुत्री जो भी है, आय की प्रकृति में आ जाएगा, पढ़ाई आ जाएगा, और यहाँ पे वार्षिक आय में नील डाल सकते हो। इस प्रकार से आपको आय डाल देनी है। यहाँ पे स्थान और दिनांक लिख देना है, प्रार्थी के हस्ताक्षर के जगह जिसके नाम से बना रहे हो उसके साइन आ जाएंगे। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आपको फोटो लगवानी है, मैं यहाँ पे जो आवेदन करता था उसका नाम, उसके पिता का नाम, उम्र, निवासी एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, वार्षिक ईएस 2024-25 यहाँ पे आपको डाल देना है, 23-24 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सेम टू सेम उसी प्रकार से जैसे आपने ऊपर भरा था उसी प्रकार से आपको नीचे वाला ये कॉलम भी भर देना है। उसके लिए अगर आपकी जो इनकम है वो भूमि से है, जमीन से आती है, तो यहाँ पे आपको जमीन का आपका एड्रेस देना पड़ेगा, जैसे किस नाम में जमीन है, किस तहसील में जमीन है, खसरा नंबर क्या है, रकबा नंबर क्या है, सिंचित है तो असिंचित, वार्षिक आय जमीन से कितनी है वो भी आपको देनी पड़ेगी। अन्य स्रोतों से आपकी अगर आय है, जैसे कोई पेंशन आती है या फिर म्यूचुअल फंड से पेमेंट आती है या फिर कोई किराया आता है मकान का या फिर किसी ने चीज़ें किराया आता है, तो वो डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको लिख देना है कि अखरे कितने रुपये आपके परिवार के समस्त स्रोतों से आए हैं, वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। यहाँ पे देखिए शपथ ग्रहिता के अंदर जो जिसके नाम से आप बना रहे हो आय प्रमाण पत्र उसका दोनों जगह साइन हो जाएगा, और ये है जो पब्लिक नोटरी से आपको अटेस्टेड करवा लेना है, ये प्रमाणीकरण पब्लिक नोटरी आपको भर के देगा, जैसे उसका नाम, उसके पिता का नाम, जाति, उम्र, निवासी, एड्रेस, तो यहाँ पे पब्लिक नोटरी जिसके नाम से आप साइन करवा रहे हो, जिससे साइन करवा रहे हो वो यहाँ पे आपको भर के देगा। उसके बाद देखिए उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र, उत्तरदायी व्यक्तियों कौन हो सकता है पहले बात हम ये कर लेते हैं। तो उत्तरदायी व्यक्ति के अंदर यहाँ पे नोट के अंदर दिया गया है कौन कौन उत्तरदायी व्यक्ति हो सकता है, आप देख सकते हो, प्रशंसा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से स्थापित कराए, उत्तरदायी व्यक्ति संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर निगम सदस्य, नगर पालिका अध्यक्ष, स्कूल के हेडमास्टर। स्कूल के हेडमास्टर का तात्पर्य यहाँ पे सरकारी स्कूल के हेडमास्टर से है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
संबंधित पीएचसी सीएचसी के चिकित्सक बीडीओ सहायक अभियंता ये सभी हैं जो उत्तरदायी व्यक्ति हो सकते हैं। तो इनमें से आप किसी के भी साइन करवा सकते हो, दो जगह साइन करवानी है, कॉलम आपके सामने है। जैसे यहाँ पे तो आ जाएगा मैं जो उत्तरदायी व्यक्ति होता है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका एड्रेस, उसका विभाग क्या है और पद क्या है। उसका जो नीचे प्रार्थी किस गया है, जो आवेदन करता होता है जिसके नाम से आप प्रमाण पत्र बना रहे हो उसका नाम, उसके पिता का नाम और उसका निवास का स्थान है यहाँ पे लिख रहे हैं। उसका जो उसकी आय कितनी है, नीचे जो उत्तरदायी व्यक्ति होता है वो अपनी मुहर और साइन लगा करके आपको देगा। सेम टू सेम इस प्रकार से गवाह नंबर दो का भरा जाएगा, दोनों गवाह का भरवाना है और आपको एक नोटरी से करवाना है, ये पूरा फॉर्म भरना है। इतना करते ही आपका आय प्रमाण पत्र का फॉर्म है तो तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ गई होगी। आरटीई के फॉर्म में इनकम सर्टिफिकेट आपको यही फॉर्म लगाना है। अब आगे से जिसने एक बार एक पेज वाला अपलोड कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल के पास में एडिटिंग का ऑप्शन आएगा उस समय आपको वहां पर जमा करवा देना है। तो उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।